हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, दिस इज द पार्ट 4 ऑफ आवर चैप्टर 7। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल्स, मतलब टेबल्स को स्प्लिट करना, तोड़ देना टू और मोर पार्ट्स, एंड मर्जिंग टेबल्स मतलब उनको वापस से जोड़ देना। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज वीडियो। यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखी है एंड वी वॉन्ट टू स्प्लिट इट इंटू टू पार्ट्स। अब देखो, स्प्लिट करने के भी दो तरीके हैं। या तो जैसे ये जो टेबल है ये ऐसे वर्टिकली है, ठीक है, ये टेबल ऐसे वर्टिकल है और हम इसे बीच में से ऐसे ब्रेक करेंगे। इसका मतलब हम वर्टिकल टेबल को ब्रेक कर रहे हैं, यानी जब टेबल को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, एक ये वाला पार्ट ऊपर रह जाए और एक पार्ट नीचे रह जाए, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्प्लिटिंग टेबल वर्टिकली। ओके, और एक हॉरिजॉन्टली का मतलब ये टेबल ऐसे हॉरिजॉन्टल है और इसको ऐसे बीच में से ब्रेक कर देना, यानी एक पार्ट इधर रह जाए एक पार्ट इधर रह जाए, तो ये क्या हो गया, स्प्लिटिंग द टेबल हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो दो मेथड है। एक पहले हम देखते हैं वर्टिकल ब्रेक करना है। अब वर्टिकल ब्रेक करने का मतलब, मान लो मैं चाहता हूँ ये जो रोल नंबर 2 तक का डेटा है ये ऊपर रह जाए और 3 और 4 का डेटा ये नीचे हो जाए, टेबल ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ से आपको टेबल को स्प्लिट करना है। ये ध्यान रखना, जो टेबल जो सेल आप सेलेक्ट करेंगे वो नई टेबल में जाएगी, यानी इस टेबल से टूट जाएगी वो सेल और उसके नीचे की जितने भी सेल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लो, यहाँ कर लो, एक ही बात है। यहाँ करने के बाद आपने लेआउट टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर मर्ज ग्रुप के अंदर स्प्लिट टेबल पर बस क्लिक कर देना है, तो आपकी टेबल स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, अब वापस इसको मर्ज करना हो, मर्ज करने के अब दो तरीके हैं। एक तो जो ये नीचे वाली टेबल है इसका जो ये मूव हैंडल है इसको हम ड्रैग कराएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, मतलब लेफ्ट बटन को प्रेस रखेंगे और इस टेबल को धीरे धीरे मैं मूव कराऊंगा। ठीक है, ऐसे ऊपर ले जाऊंगा और ये इससे बिल्कुल मिला दूंगा, ऐसे मैच कर दूंगा। जब ये मैच हो जाए तो इसको मैं छोड़ दूंगा, तो ये जो टेबल आपस में दोबारा से कनेक्ट हो जाएंगी, यानी मर्ज हो गई है। ठीक है, फिर एक बार मैं अंडू कर देता हूँ, ये दो पार्ट्स हमने डिवाइड कर दी थी। दूसरा तरीका ये भी है कि जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस बना है मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा ताकि कर्सर यहाँ आ जाए। जैसे कर्सर यहाँ नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, कर्सर आ गया। ओके, अब आपके कीबोर्ड में एक डिलीट बटन होता है, उस डिलीट बटन को मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो भी वो जो बीच का स्पेस है वो डिलीट हो जाएगा और दोनों टेबल्स आपस में वापस से मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मैं इसको स्प्लिट या मर्ज कर सकता हूँ। दूसरा तरीका, अब हम देखते हैं कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, मुझे ऐसे बीच में से कहीं से ब्रेक करना। सपोज करो ये रोल नंबर और नेम वाला जो कॉलम है ये मुझे एक टेबल में रखना है और ये इंग्लिश मैथ और जो मार्क्स हैं ये दूसरी टेबल में ब्रेक करने हैं। ठीक है, तो वो कैसे करूँगा मैं, सबसे पहले तो जो बाद वाली टेबल है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसको मुझे एक अलग पार्ट बनाना है। इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करने के बाद किसी भी सेल जो सिलेक्ट है किसी भी सेल पे माउस पॉइंटर को रखना है और इस टेबल को ड्रैग कराना है, यानी कि लेफ्ट बटन को प्रेस रखते हुए हम मूव कराएंगे, ऐसे कहीं नीचे की तरफ लाना है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे ले आया और मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये टेबल एक बार अलग बन गई, तो दो पार्ट्स हो गए हैं। बट अगर आप इसको पार्ट को यहीं रखना चाहते हो, एक बार आपको ऐसे ही लाना पड़ेगा, फिर आप इसको वापस से ऊपर यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो अलग अलग टेबल्स में डिवाइड हो गई है, ये टेबल एक अलग बन गई, ये टेबल अलग बन गई। ओके, तो इस तरीके से आप टेबल्स को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तोड़ सकते हैं दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में। दो से ज़्यादा पार्ट करने के लिए एक बार दो पार्ट कर दे, फिर उन दोनों में से जो भी जिसके पार्ट करने उसको फिर से स्प्लिट कर दो, तो आप और ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टेबल्स के बारे में कुछ और भी बातें सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।